इधर अभी जो है ये घंटे लगे हुए हैं और ये हैं बंदे हुए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज की नई वीडियो में गाइस। तो जब आदमी अपनी ज़िंदगी से, अपने आप से घर में पड़े पड़े थोड़ा ऊब जाता है तो कहीं जाता है, कहाँ लोगों का तो मुझे पता नहीं कौन कहाँ कहाँ जाता है, लेकिन मैं जाता हूँ अपने भोले बाबा के पास। ओके, तो ऐसे ही एक मंदिर है शिव जी का, मुरादाबाद से थोड़ी दूर है, पंजाब नगर में, वहीं पे मैं आया हूँ। फ़िलहाल लॉकडाउन के चलते तो बंद है, वो बिल्कुल भी भीड़ नहीं है। जाना अलाउ तो है, मैंने बताया तो कह रहे ठीक है आ जाइए आप, लेकिन मैं शूट ज़्यादा नहीं कर पाया हूँ, थोड़ा सा कर पाया हूँ। आप देखिए उसको, बाहर से दिखाता हूँ फिर उसके बाद अंदर से मेन गेट दिखाता हूँ। बस बिल्कुल अंदर जाने तो नहीं दिया जहाँ पर शिवलिंग है। और इसके मंदिर के बारे में थोड़ा बता दूँ, यहाँ शिवलिंग अपने आप ही जो है निकले थे, जो नाग हैं वो अपने आप ही यहाँ पे निकले थे, और बहुत ही सुंदर और भव्य मंदिर बना दिया गया। आप देखिए, एंजॉय करिए, मस्ती करिए। ओके, ये इसके बराबर में ये है मंदिर इधर, और ये मेन गेट है मंदिर का, इधर बराबर में चौकी टाइप है, और इधर जो है ये देखिएगा बहुत ही सुंदर मंदिर है। जूम करके दिखाता हूँ अभी। ये मेन द्वार है, जो मेन गेट है, ये फ़िलहाल है बंद क्योंकि इधर से किसी की भी एंट्री नहीं है। और यहाँ से जो है ये आप देख सकते हैं पोल वगैरह लगे हुए हैं, यहाँ पे कांवरे चढ़ती हैं सावन में और माह के महीने में, यहाँ पे कांवर चढ़ती हैं, बहुत भीड़ रहती है। ये आप रास्ता देख रहे होंगे, ये पूरा रास्ता भरा रहता है। इधर ये खेत वगैरह आप देख रहे होंगे, तो इन खेतों में भी जो है दुकानें वगैरह लगी हुई होती हैं क्योंकि मेला बहुत भारी होता है यहाँ पे। और एक गेट ये है, ये जो मेन गेट है उधर से कांवर चढ़ती हैं, लेकिन मेन गेट यही है। आप मंदिर यहाँ से भी देख सकते हो, थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा, तो ये देखिएगा, ये बिल्कुल आप चोटी देख सकते हैं। ओके, गेट से एक बार देखिएगा, ये कितना सुंदर और प्यारा सा नज़ारा दिखाई दे रहा है। जो है ये घंटे लगे हुए हैं और ये हैं बंदे हुए क्योंकि यहाँ पे कोई आ नहीं सकता है। मंदिर फिलहाल खुला है लेकिन कोई यहाँ आ सकता नहीं है। इस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें क्योंकि इस टाइप की वीडियो मैं लाता रहता हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भोले की।